हेलो गाइस, मेरे पास है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास है डीलक्स का जो अब गाइस जो कोठी वगैरह दीपावली में देखते हैं ना, आज गाइस हम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, काफ़ी खतरनाक होने वाला है गाइस। आपको जितना ही नॉर्मल दिखता है छोटा गाइस, ये इतना ही ज़्यादा खतरनाक है। आप कभी ये इसको है ना किसी का हाथ वगैरह फोड़ते हुए नहीं देखे हों, क्योंकि गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा जब ये ऊपर से निकलता है, जब कोठी जलने का काफ़ी ज़्यादा अंदर है ना टेम्परेचर होता है गाइस, शायद टेम्परेचर कुछ ना 2000 के आसपास तक इसके अंदर से टेम्परेचर निकलता है गाइस। और गाइस जब हम लोग है ना ग्लास के ऊपर इस ग्लास के अंदर इसको डालेंगे तो गाइस क्या होगा, और ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है गाइस वो होता है 1700 से लेके मतलब आसपास होता है 1300 से लेके 1700 के आसपास। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि अगर ये कोठी को अगर हम लोग ग्लास के अंदर डाल के अगर जलाएंगे तो क्या ग्लास को मेल्ट कर देगा, फोड़ देगा, या क्या होगा गाइस। काफ़ी खतरनाक होने वाला आज का वीडियो, काफ़ी जोरदार ग्लास देख सकते हैं गाइस। ये है मेरे पास जार रखा हूँ मैं, इस जार के अंदर हम लोग ऐसे कोठी को रख के जलाने वाले, जो कि बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा गाइस। आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हम लोग हर प्रिकॉशन लेने के बाद ही इस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो चलिए आज के इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं गाइस। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जैसे दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस कोठी को जलाता हूँ, ग्लास को हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। चलिए सकते हैं कि जो हम लोग ने कोठी डाला था गाइस किस तरीके से कांच फूटा, जो कि पता नहीं गाइस अभी किस वजह से ज़्यादा प्रेशर की वजह से फटा है। इसके ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, इसके टूट फूट गया, देख सकते हैं गाइस किस तरीके से टूटा है। ये देखिए ये भी गाइस टूट गया पूरा, बहुत बेकार तरीके से टूटा है, देख सकते हैं गाइस। और कोठी तो ये रही, ये देख सकते गाइस ये रहा, इसके ऊपर जहाँ पे ग्लास कोठी का टेम्परेचर पड़ा है ना गाइस, बहुत बेकार हुआ ये रहा गाइस। ये देख सकते हैं इसके ऊपर ग्लास के ऊपर टेम्परेचर पड़ा है कोठी का, जिसके वजह से ग्लास बहुत ज़्यादा टूट चुका है और इधर थोड़ा सा है ना गाइस देख सकते हैं पिघल भी चुका है। तो गाइस जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ग्लास को पिघला सकता है इजिली, और लोहे वगैरह को स्टील को भी पिघला सकता है, अगर बड़े कोठी हो ना गाइस तो बहुत खतरनाक पिघला सकता है इस तरीके से। ऐसा कुछ भी गाइस आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। तो गाइस आई होप आप लोग आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा गाइस, क्योंकि मैंने कांच के अंदर गाइस कोठी डाला। तो गाइस आपको अभी है ना हर वीडियो पटाखे से रिलेटेड मिलने वाले काफ़ी टाइम तक, क्योंकि गाइस दीपावली आ रही है तो एक से एक आपको लेवल के अलग अलग लेवल के वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बोले सब्सक्राइब करने गाइस, बहुत स्लोली लोग सब्सक्राइब करें, पता नहीं क्यों करें, वीडियो तो देख रहे बट सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।